इंकी, ओ इंकी, तू कहीं जा रही है क्या? हाँ मिंकी, मैं चेन्नई जा रही थी। मुझे वहाँ का इडली और ब्राउन नट की चटनी बहुत पसंद है। इडली, इडली तो मुझे बनानी आती है, पर ग्राउंड नट की चटनी वो नहीं आती है मुझको। ग्राउंड नट की चटनी के लिए तो मैं चेन्नई जा रही हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लगती है ग्राउंड नट की चटनी। अरे तिन्नी है ना, वो बना देगी। सच में बना देगी? हाँ बाबली, वो सच में बना देगी। चल चल तिन्नी से पूछते हैं। नमस्ते, वेलकम टू तिन्नीस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्राउंडनट की चटनी। चलिए देख लेते हैं ग्राउंडनट की चटनी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है। ग्राउंडनट की चटनी बनाने के लिए मुझे चाहिए ग्राउंडनट एक कटोरी, कोकोनट ऑयल 4 स्पून। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल की इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। राई 1 स्पून, जीरा 1/2 स्पून, सूखा लाल मिर्च 2, उड़द दल 1/2 स्पून, सॉल्ट 1/2 स्पून, वाटर 1 कप, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, ऑनियन 2 स्मॉल, गार्लिक 3 से 4 पीस, हींग 1/2 स्पून। सबसे पहले इंडक्शन में फ्राइंग पैन को बिठा दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी ग्राउंडनट और इसको एकदम लो या मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। पाँच मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्राउंडनट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इंडक्शन बंद कर दूंगी और इसको मैं एक कटोरी में उतार लूंगी। फिर से मैं इंडक्शन चालू कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें दे दूंगी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच हींग, दे दूंगी 1/2 चम्मच जीरा, दे दूंगी बारीकी से कटा हुआ ऑनियन और दे दूंगी 4 से 5 पीस लहसुन और इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इंडक्शन बंद कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। मैं एक मिक्सी का जार ले लूंगी और इसमें डाल दूंगी ग्राउंडनट। और दे दूंगी
फ्राई किया हुआ मसाला, और दे दूंगी आधा चम्मच नमक, और दे दूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि चटनी प्रॉपरली ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं इसको एक कटोरी में उतार लेती हूँ। अब मैं इस चटनी में ऐड कर दूंगी आधा कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से मैं इंडक्शन में फ्राइंग पैन को बिठा दिया हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच राई, दे दूंगी 2 सूखा लाल मिर्च और दे दूंगी आधा चम्मच उड़द दाल। अब तड़का भी फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको चटनी के ऊपर दे दूंगी। बन के तैयार है ग्राउंडनट की चटनी। ये चटनी आप इडली, डोसा, उत्थपम, वड़ा, इडियप्पम या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आगे से ऐसा टेस्टी रेसिपीज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टिन्नीज़ किचन। थैंक यू।